हेलो एवरीवन, कॉग्निशन पॉड में आप सभी का स्वागत है। सो, आज मैं बेसिकली डिस्कस कर रही हूँ जो आज असम यूनिवर्सिटी ने बीएड एंट्रेंस कंडक्ट करवा था उसके कुछ क्वेश्चंस में मेमोरी बेस्ड जो है वो कुछ क्वेश्चंस में सॉल्व करवा रही हूँ। एंड दीज आर ऑथेंटिकेट, पूरे असली आंसर है, तो आप इसमें डाउट मत करिएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑक्सीजन एक्सप्रेस जो है वो इंडिया में किस जगह में अराइव किया था पहले, तो इसका करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र से, ठीक है। सो महाराष्ट्र से ये महाराष्ट्र में आया था विशाखापत्तनम से, ठीक है। चलिए अभी देखिए और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन है जो NEP 2020 है उससे आया था। सो, इसका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द ग्रुप कवर्ड इन स्कूल एजुकेशन अकॉर्डिंग टू NEP 2020 न्यू करिकुलर स्ट्रक्चर। सो NEP अकॉर्डिंग टू NEP जो है वो स्कूल एजुकेशन में कितने साल से कितने साल का एक वो जो करिकुलर स्ट्रक्चर है वो कितने साल का है, तो बहुत सारे वो जो ईयर्स एज का जो क्राइटेरिया है वो दिया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर है 3 years to 18 years, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट और क्वेश्चन आया था कि नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज इन विच स्टेट। नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो है वो हमारे देश में कौन से स्टेट में है, तो इसका करेक्ट आंसर है मणिपुर। तो मणिपुर में नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी उसको एस्टेब्लिश किया गया है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि वेयर रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन इज़ नॉट लोकेटेड। सो अभी देखिए हमारा जो इंडिया है उसमें रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन जो है ना वो 5 है, टोटल 5 रीजनल इंस्टीट्यूट आर देयर, जो कि मैसूर, भोपाल, भुवनेश्वर, अजमेर, शिलोंग, तो ये 5 है। और ऑप्शंस में दिए गए थे मैसूर था, भोपाल था, भुवनेश्वर था और कोलकाता था। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्वेश्चन पे पूछा था कि किस लोकेशन में रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन नहीं है, नॉट बोला था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा कोलकाता, ठीक है। ओके, अभी ये सारे कुछ क्वेश्चंस थे बहुत ही इंपॉर्टेंट। अभी देख लेते हैं हम लोग थोड़ा एक कि इंग्लिश में क्या क्या क्वेश्चंस आए थे। तो इंग्लिश में ऐसा एक क्वेश्चन था कि एक रूम में बहुत सारे मतलब बेड्स होते हैं या फिर लोग रहते हैं, तो उसका ऑप्शंस था ऑफिस और कुछ कुछ ऑप्शंस थे, तो करेक्ट आंसर होगा उसका डॉर्मेट्री। तो डॉर्मेट्री ऐसा एक रूम की तरह होता है जहाँ पे बहुत सारे बेड्स होते हैं, जहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ रह सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है डॉर्मेट्री। और एक प्रीपोजिशन आया था, उसका सेंटेंस याद नहीं है, बट उसका जो प्रीपोजिशन था ना वो कमिटेड, प्रीपोजिशन से पहले कमिटेड था, तो हम लोग को पता है कि कमिटेड से पहले प्रीपोजिशन मतलब कमिटेड के बाद प्रीपोजिशन हमेशा टू आता है, तो इसका करेक्ट आंसर है कमिटेड टू। अभी और एक क्वेश्चन आया था डायरेक्शन से, सो डायरेक्शन बेस्ड एक क्वेश्चन था, तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो नॉर्थ होगा, ठीक है। एक आदमी ऐसे मतलब एक दिशा में स्टार्ट करता है वो, फिर वो राइट में जाता है, फिर लेफ्ट में जाता है, फिर वो नॉर्थ की दिशा में होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा नॉर्थ, ठीक है। अभी और एक क्वेश्चन आया था इंग्लिश से, सो ऐसा था कि रीअरेंजमेंट था, सो उसका जो रीअरेंजमेंट करने के बाद जो आंसर है वो ऐसा आया था कि द ताजमहल वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1632 बाई शाहजहां इन द मेमोरी ऑफ हिज वाइफ मुमताज़। सो ये सारे कुछ कुछ क्वेश्चंस थे इंग्लिश के जो मेमोरी बेस्ड है। सो आई होप ये सारे तीनों वीडियो सीरीज से आपको बहुत ही हेल्प मिला होगा। अगर आपने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो ऑब्वियसली लाइक का बटन दबाइए ताकि मोटिवेशन मुझे भी मिले कि मैं और ज़्यादा वीडियोस लाऊं। सो अगर आपका कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सजेशन हो, कोई भी और कोई एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन हो जो मुझसे छूट गया, सो यू कैन कमेंट दोज क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक for your future. Thank you.